किसने की? मैं ऐसे इंसान से जरूर मिलना चाहता हूं। जी सर। सर, जय अग्निहोत्री का नंबर मिल गया है। फोन लगाओ। जी। हेलो, क्या मैं जय अग्निहोत्री से बात कर रहा हूँ? जी। मुख्यमंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सर। जय प्रधान। जी सर। देखो जय, सिंह साहब के दामाद और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ सब जानता हूं मैं। किसकी क्या गलती थी पूरी जानकारी है मेरे पास। जय, मैं चाहता हूं ये सिलसिला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने सिंह साहब से भी बात कर ली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर सिंह साहब से एक बार मिल लो। नहीं सर, एक बार कोशिश कर चुका हूं। जय, अकेले क्या कर लोगे? कुछ साबित नहीं कर पाओगे। इस राह पे चलकर क्या हासिल करना चाहते हो तुम? सर, सच्चाई के रास्ते पर चलकर सिर्फ इंसानियत जुटाना चाहता हूं बस, और ये बताना चाहता हूं कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। सर, जय जय मिल लेते हैं आज शाम को। जी सर। जय, मैं सिंह साहब से कुछ बात करना चाहता हूं, तुम बाहर इंतजार करो। ये आप क्या कर रहे हैं सिंह साहब? आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी इन हरकतों से आपकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। मेरी फिक्र छोड़ो प्रधान, अपनी सोचो। लो सुर्खियां पढ़ो। निलंबित सेना अधिकारी जय अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री की हत्या की, गृह मंत्री दशरथ सिंह नए मुख्यमंत्री, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, भविष्य है, क्योंकि इस अखबार को पढ़ने के लिए कल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम सब मारे जाएंगे। चलो जाओ, पकड़ो, जल्दी जाओ, चलो सब लोग पीछे। आ रहे सर, ये जब हादसा हुआ था आप वहीं थे, वहां आखिर हुआ क्या था? ये शख्स जिसका नाम मेरे ख्याल से जय अग्निहोत्री है, सीएम साहब ही उसे साथ में लेकर हमारे यहां आए थे। ऑल सेट टू लीव, अंजलि तुम्हारी पैक। उसके बाद जय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, सीएम साहब को किडनैप किया और वहां से भागने लगा। हमारे वर्कर्स उसके पीछे भागे सीएम साहब को बचाने के लिए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए, यहाँ यहाँ चोट देखिए, मुझे भी लगी। ही इज अ टेररिस्ट, आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। अब हमें पता चला है कि वो पहले आर्मी में काम करता था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने की वजह से उसे आर्मी से भी निकाल दिया गया था। झूठ बोल रहा है ये। जो हमारे संवाददाता से बात कर रहे थे। एक सच्चे देशभक्त को हम फौज से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं। सुमित, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर,
जय और सीएम का पता चल गया है। कदम। जी सर। जय का पता लग गया। जी आप फिक्र मत करिए, छोड़ेंगे नहीं साले। बाबू उतरे। दरवाजा मत खोलना। हालत बहुत खराब हो गई। He's lost too much blood. इनका इलाज अब यहाँ पर नहीं हो सकता। We have to take him to hospital now. तो जा, मैं इन सालों को देखता हूँ। पार्टी ऑफिस जा रहा हूं, चौकन्ने रहो और खबर करते रहो। सर एक बुरी खबर है। क्या है? सीएम साहब सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। एक एक को मार रहा था वो। ये देखिए यहाँ आतंकवादी है वो, सिर्फ पागल नहीं है वो। क्या हुआ सुमित? अब हमें जेठा है। मैम आपके भाई ने मंत्री जी को मारने की कोशिश की है, आप क्या कहेंगी? देखिए जो कुछ भी मेरे भाई के बारे में दिखाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो सब झूठ है। उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि आपके भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, होम मिनिस्टर साहब ने तो उन्हें आतंकवादी तक घोषित कर दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भाई एक सच्चा इंसान है, उसकी सोच ये है कि देश की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि वर्दी पहनी जाए। उसने तो एक अच्छाई की चेन शुरू की है कि थैंक यू बोलने के बजाय आप तीन लोगों की मदद कर दीजिए और उनसे कहें
कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। ऐसे इंसान के बारे में कोई कैसे कह सकता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पापा, ये आंटी तो वही बोल रही हैं जो स्कूल की अच्छी आंटी ने बोला था, थैंक यू की जगह 3 की मदद करें, और उनको बोलो कि वो आगे 3 की मदद करें। हेलो, तुम टीवी देख रही हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? बस सर।